आज अपनी जर्नी होने वाली है रीवा से दिल्ली की, तो मैं भी ट्रेन में बैठ गया हूँ और ट्रेन का पूरा इंटीरियर वगैरह आपको दिखाता हूँ कैसा क्या यहाँ का इंटीरियर है। सो पहले भी हम लोग रीवा रेलवे स्टेशन के पास ही पहुँच चुके हुए, आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और अभी स्टेशन पे काम लगा हुआ है, आने वाले टाइम पे जो स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार और खूबसूरत होगा। आप ज़्यादा सुंदर और शानदार है। और इसके बाद ये इसका जनरेटर है, जनरेटर के बिल्कुल कोच के पीछे ही लगा हुआ है। और अभी आपको मैं पूरा जो अपना डिब्बा है उसका पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ किस तरीके का है। और ये आप देख सकते हो ये लोअर और अपर सीट यहाँ पे है, और ये जो है ये लोअर सीट है और ये अपर की सीट यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पे भी वही है, 2x2 का कॉम्बिनेशन रहता है और सीट सेकंड एसी की जो है थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है और थर्ड एसी की मुकाबले आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहेगा और बाकी तो सब सिमिलर ही होता है और कुछ नहीं। और जो बाजू में एक ट्रेन खड़ी है वो ट्रेन जो है वो रीवा से मुंबई के लिए 4 बजे निकलने वाली है। ये आप देख सकते हो कितना शानदार इसका इंटीरियर है सेकंड एसी का रीवा आनंद विहार ट्रेन का। सो फाइनली अभी हम लोग की जो ट्रेन है वो रीवा से निकल चुकी है और अगला इसका जो हॉल्ट है वो सतना है, तो सतना के लिए गाड़ी अभी जा रही है धीरे धीरे, अभी है धीरे धीरे और स्पीड हो जाएगी। सो दोस्तों कर मैं आपको ये पूरा भी दिखा रहा हूँ रीवा रेलवे स्टेशन का। और गाइस मैं आपको बता दूं कि रीवा रेलवे स्टेशन से टोटल 15 ट्रेनें जो है वो ऑपरेट होती है पूरे सप्ताह के अंदर में, और कुछ ट्रेनें हैं जो यहाँ पे कंटिन्यू होती है जैसे रेवांचल हो गई और इंटरसिटी हो गई। इसके अलावा रीवा रणबिहार ट्रेन भी जो है वो ट्रेन भी डेली बेसिस पे चलती है, बट जो इंदौर की ट्रेन है वो हफ्ते में 3 दिन ही चलती है। तो इस तरीके से रीवा में कुछ ट्रेनें हैं जो साप्ताहिक है तो और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे चलती हैं। गाइस आप भी कमेंट करके बताना, जिन जिन ट्रेनों का मैं नाम बोलना भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हो कि भैया आप इस ट्रेन का नाम आपने नहीं लिया है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दिमाग में याद भी नहीं रहता है। लाइक शटल भी है, इतवारी वगैरह जो है वो हफ्ते में 3 दिन ही चलती है। तो ये गाइस आप पूरा स्टेशन का नज़ारा देख सकते हो कितना सुंदर रीवा अपना रेलवे स्टेशन है। और रीवा रेलवे स्टेशन तो वैसे भी अभी शानदार हो गया क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 में भी कंटिन्यू काम लगा हुआ है और वहाँ से भी कुछ टाइम के बाद ट्रेनें जो है वो ऑपरेट होने लगेंगी। और ये आप देख सकते हो रीवा रेलवे स्टेशन, और धीरे धीरे हम लोग अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये अपना रीवा और सतना के बीच का ये जो रिवर है इसका व्यू देख करके तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि ये अभी जो मानसून का समय चल रहा है इस टाइम में तो आपको पता ही है हर जगह हरियाली हरियाली है। और अपना जो बिंद है यहाँ पे तो बहुत ही मस्त इस टाइम का माहौल होता है। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप भी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं दिल्ली तक की। और अभी हम लोग आ चुके हैं एक सुंदर से टेंपल को देखते हुए, ये भी जो टेंपल है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना टेंपल है। और अगर आप कभी सतना आते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमने आइएगा, बहुत ही शानदार और खूबसूरत जो है यहाँ का नज़ारा है। आप कभी भी आइए एक बार यहाँ पे ज़रूर घूमिए, देखिए कैसा मंदिर है ये। अगर आप 6 बजे के बाद शाम को 6 बजे के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको भी यहाँ पर बहुत ही मस्त और आरामदायक लगेगा। और गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सतना जंक्शन, गाड़ी जो है 5:20 पे सतना जंक्शन के पास पहुंच जाती है। और गाइस मैं आपको बता दूं सतना में डेली बेसिस पे 200+ ट्रेनें यहां पे ऑपरेट की जाती है। और अगर किसी को भी सतना के थ्रू मुंबई जाना है या फिर चेन्नई जाना है तो इस रूट के माध्यम से ही जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपको बनारस जाना हो, इलाहाबाद जाना हो तो आपको यहीं से ट्रेन पकड़नी होती है। और आप देख सकते हैं सतना जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी होता है क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और इसको सतना जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें निकलती हैं, एक लाइन जो है वो रीवा के लिए जाती है तो एक लाइन जो है वो प्रयागराज के लिए जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि जितना जो अपनी ट्रेन है वो रीवा में नहीं भरती उससे ज़्यादा ये जो ट्रेन है वो फुल और टाइट होती है वो सतना में,
सतना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो आप क्राउड ही है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे स्टेशन में। गाइस अपना तीसरा जो हॉल्ट है वो है जैतबारा, और अपनी गाड़ी जो है 5:48 पे पहुंच चुकी है जैतबारा रेलवे स्टेशन। और गाइस मैं अगर आपको बता दूं जैतबारा रेलवे स्टेशन के बारे में, तो इस स्टेशन में टोटल 9 ट्रेनें ऑपरेट होती हैं डेली बेसिस पे, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये अपना गाइस आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। और आप भी अभी वीडियो के अंदर बने रहिए क्योंकि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के चले जाइएगा, तो आप लोग भी बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है, ये बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप सतना से प्रयागराज के बीच में निकलोगे तो यार ये बिंद की पहाड़ियाँ इतना प्यारा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जितना आपने कहीं कभी नहीं देखा होगा। इसलिए हमारा जो बिंद प्रदेश है उसको सबसे प्यारा और सबसे सुंदर एरिया बोला जाता है। तो आप भी मेरे साथ जर्नी करते रहिए और हम लोग अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट हॉल की ओर। तो अभी देखते हैं कि अपना हॉल्ट अगला कौन सा होता है, और मेरे ख्याल से अगला जो अपना नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो मानिकपुर है। तो अभी तो पूरी अपनी गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है, और मानिकपुर पहुँचने का जो टाइम है वो हो चुका है 7 बजे, गाड़ी जो है वो मानिकपुर पहुँच जाती है। और गाइस अगर आपको बता दें मानिकपुर में, तो मानिकपुर में टोटल 22 ट्रेनें यहाँ से ऑपरेट होती हैं, मतलब यहाँ पे 22 ट्रेनों का हॉल्ट रहता है। और ये एक बड़ा जंक्शन है, और मैं अभी एक जर्नी भी करने वाला हूँ हज़रत निजामुद्दीन से मानिकपुर की, तो उसमें भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा क्योंकि जो यूपी संपर्क क्रांति है उस वो जो है ये मानिकपुर से ही बनती है। और गाइस अपना नेक्स्ट स्टॉप आ चुका है डभौरा रेलवे स्टेशन, और अभी हम पहुँच चुके हैं डभौरा रेलवे स्टेशन, और गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँची है 7:22 पे। और आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 ट्रेनें जो है वो डेली बेसिस पे ऑपरेट होती है। इसके अलावा अभी हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो खुद पहुँचती है 9:05 पे। प्रयागराज जंक्शन भी जो है एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप सभी लोगों को पता ही है, और यहाँ पे 200+ ट्रेनें ऑपरेट होती हैं डेली बेसिस पे। तो गाइस ये जो है यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनें ऑपरेट होती है। और गाइस अभी इसके बाद में प्रयागराज के बाद ही मैं सो गया था, और मेरी जो नींद है सीधे खुली है गाजियाबाद के बाद। तो ये आगे का मैं पूरा आपको गाजियाबाद का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ का पूरा एरिया वगैरह है, आप देख सकते हो ये गाजियाबाद का पूरा एरिया आपको दिखा रहा है। और ट्रेन अभी जो है सही टाइम पे 6 बजे के बाद ही अपना धीरे धीरे निकल रही है, और ये आप देख सकते हो किस तरीके से शताब्दी एक्सप्रेस भी निकल रही है हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, शताब्दी एक्सप्रेस देखने को बनता है। बहुत ही शानदार ट्रेन है, मतलब आप देखोगे तो शताब्दी का जो टाइम टेबल है बहुत ही प्यारा है क्योंकि टाइम टू टाइम चलती है, और उसमें भी जैसे अपनी दुरंतों और राजधानी वैसे उसी तरीके की सुविधाएँ मिलती है। और ये आप देख सकते हैं बाजू में राजधानी गाड़ी चल रही है जो कि पटना से आ रही है, पटना से सीधे नई दिल्ली पहुँच रही है। तो ये गाड़ी भी शानदार है, और हमारी गाड़ी को ये ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक करते हुए ये गाड़ी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कितना शानदार है, बहुत ही मतलब ये राजधानी गाड़ियाँ जो होती हैं ये बहुत उनका स्टॉपेज वगैरह भी बहुत कम होता है, और बहुत सारी गाड़ियों को ये ओवरटेक करती हैं। तो ये गाड़ी धीरे धीरे निकल रही है, और अभी 6:40 अपनी जो गाड़ी है वो पहुँचने वाली है आनंद विहार जंक्शन। तो अभी देखते हैं कि अपना जो ट्रेन है वो आनंद विहार टर्मिनल कितने बजे पहुंचती है, ऑन टाइम रहती है कि लेट रहती है, ये भी आपको मैं अभी वीडियोस के अंदर पूरा की पूरा बताता हूँ। तो गाइस अभी तो हमारा सफ़र चल ही रहा है क्योंकि अभी तक भी हमारी ट्रेन पहुंच नहीं पाई है रीवा आनंद विहार। गाइस लोगों को लगता होगा आनंद विहार किधर है, आनंद विहार भी दिल्ली के अंदर ही है, और आनंद विहार से नई दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो खाली 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप मेट्रो के माध्यम से जाते हैं तो आप आराम से आनंद विहार के बाहर आपको एक मेट्रो मिल जाएगी जिसको ब्लू लाइन बोलते हैं, और वहाँ से आपको 30 रुपये दे करके आप पहुँच जाओगे नई दिल्ली या फिर आर के आश्रम पहुँच जाओगे। अगर आपको नई दिल्ली जाना है तो आप राजीव चौक के पास उतर जाइए, सॉरी राजीव चौक के पास हाँ उतर जाइए, राजीव चौक के बाद आपको वहाँ से येलो लाइन पकड़ के आप नई दिल्ली भी आ सकते हो। तो इसी देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं आनंद विहार जंक्शन। आप देख सकते हो आनंद विहार जंक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंक्शन है आनंद विहार जो है,
इस जगह पे सबसे, यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत सारा रेलवे स्टेशन है और सभी बड़े हैं, मतलब कोई छोटा नहीं है, बट ये है कि सबकी अलग अलग भूमिका है। ये आप देख सकते हो, आनंद विहार टर्मिनल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत ही शानदार जर्नी हम लोगों की। पहले जो अपनी जर्नी थी वो ख़त्म हो गई थी आनंद विहार में, और अभी हम मेट्रो से सफ़र करने वाले हैं। आपको आगे मेट्रो का पूरा सफ़र दिखाता हूँ आपको आगे।